नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। बादाम खाने की सलाह आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या फिर कभी कभी आपके फ्रेंड्स भी दे देते होंगे। जब आप कुछ रख कर भूल जाते हैं या कोई बात भूल जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि अब आप बादाम खाना शुरू कर दीजिए। आपको बता दें कि अगर बादाम को सही तरीके से न खाया जाए तो बादाम खाने का कोई फायदा नहीं है। सही तरीका क्या है, आइए आज आपको बता देते हैं। सही तरीका ये है कि कभी भी बादाम को कच्चा न खाएं। इससे फायदे कम और नुकसान ज्यादा होता है। बादाम को भिगोकर खाने से बादाम की ताकत दोगुनी हो जाती है, तो आप भी क्यों न भिगोकर खाएं। तो आइए जानते हैं कि बादाम को भिगोकर खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आपको भी बादाम बिना भिगोए खाना पसंद है और आपको रात भर इसे पानी में भिगोकर रखने के विचार से परहेज है तो इसे बदलें। बादाम खाने का सही तरीका इसका छिलका उतारकर खाना है। ये केवल स्वाद की बात नहीं है बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि बादाम के भूरे छिलके में टैनिन नाम का तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से पोषक तत्व पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। एक बार अगर बादाम को भिगो दिया जाए तो उसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। इसके बाद जब आप बादाम खाते हैं तो उसका पूरा पोषण शरीर को मिलता है। इसके अलावा भीगे बादाम खाने से पाचन क्रिया भी संतुलित रहती है। यह लाइपेस नाम के एंजाइम स्रावित करता है जो फैट के पाचन के लिए कारगर है। इसके अलावा बादाम वजन घटाने में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मोनोसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जिससे बादाम खाने के काफ़ी देर बाद तक पेट भरा भरा महसूस होता है। भिगोए हुए बादाम एंटीऑक्सीडेंट्स का भी खजाना होते हैं, जिस वजह से ये बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं। भिगोए हुए बादाम में विटामिन बी और फॉलिक एसिड होते हैं, जिनको कैंसर के खतरे को कम करने वाला माना जाता है। ये बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं। अगर बादाम बिना भिगोए खाया जाए तो उसकी ताकत काम नहीं आती। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेद आचार्यों एवं वैद्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।